नमस्कार अर्गस ग्राउंड जीरो को स्वागत करुछु मो शक्ति जितेबेला कोरोना लहर द्वितीय लहर चली संक्रमित संख्या जदिओ धीरे धीरे कमुची किंतु जितेबेला चरम सीमार संक्रमित संख्या पहुंचीला प्रतिदिन 10,000 रु अधिक कोरोना संक्रमित चिन्हट होउथुले एवं सेतेबेले राज्यर असल स्वास्थ्य भित्तिभूमिर चित्र सामनाकु आसीथिला। रोगी माने किभली चिकित्सा टिके पाई डाक्तरक परामर्श पाई जहल बिकल हो जाउथुले। ग्रामांचल कथा तो सबुठू एठी चरम स्थिति देखा मिलता। अधिकांश सीएचसी पीएचसी गुड़िक डाक्तर नहांती, पारामेडिकल स्टाफ नहांती, कोठी औषध मिलूनी, कोठी परीक्षा पाई आनुषंगिक सुविधा ना, एभली अनेक स्वास्थ्य भित्तिभूमि विकल चित्र सामना को आसला जितेबाला कोरोना द्वितीय लहर चरम सीमार पहुंचा एवं से स्थिति जारी रही। खास कर ग्रामांचल गुड़िकर स्थिति अति दयनीय अवस्था कथा होची जे एबे राज्य सरकार बेड संख्या बढ़ेबा कथा चिंता करछुते। डाक्तर नियुक्ति दैछंती किंतु काहे कि एते विलंब हैला। 21 वर्ष धरी शासन ने रहिबा परे आज पर्यंत काहे कि सजड़ा जाई नथिला राज्यर स्वास्थ्य भित्तिभूमि को। अधिकांश सीएचसी पीएचसी रे डाक्तर पदवी खाली पड़ी, केवल बड़ बड़ कोठा छिड़ा कर दे अधिकांश जिला स्तरीय मुख्य चिकित्सालय गुड़िक पीएचसी गुड़िक स्थान में नुआ कोठा तैयारी किंतु खाली कोठा करदे हम ना, कोठा छिड़ा एवं डाक्तर पदवी खाली पड़ी, विशेषज्ञ डाक्तर नहांती। ये हूँ राज्य स्वास्थ्य भित्तिभूमि असल चित्र। आम विभिन्न जिला को आपण को नबु एवं सेठी ग्राउंड जीरो रु आपण को सामना को आणबू जे प्रकृत में राज्य में केमती रही स्वास्थ्य भित्तिभूमि। आग को तृतीय लहर आसवाक जाऊँगी, कोरोना लड़े सरनी, आगो को केते लहर आसीबो एवं कौ स्तर पर्यंत कोरोना नव से कथा मध्य कहाको जणा नाही। तो यह स्थित पोल खोली जाइछि राज्य रे स्वास्थ्य भित्तिभूमि ग्राउंड जीरो रु आम से संपर्कित तथ्य आम प्रतिनिधि मानक मुहरु जानिबा, किंतु ता पूर्व प्रथम आसन्त नजर पकाइबा ए संपर्कित एक रिपोर्ट उपर। राज्य सरकार को भितरे चेता पुराइला कोरोना, शासनर दीर्घ 21 वर्ष पर सरकार को मन पड़ा स्वास्थ्य भित्तिभूमि कथा। सबुआड़ समालोचनार सरव्य होगापर एवं बिगड़ी स्वास्थ्य सेवा सुधार को योजना आरंभ कर सरकार। विशेषकर आगक करोनार तृतीय लहर आसवाक जाऊ चिंता बढ़ी, जहाँ दृष्टि रखी सरकार गुरुवार बेड बढ़ावा किसी डाक्तर को निजुक्ति निष्पत्ति अनुजाई राज्यर विभिन्न मेडिकल आईसीयू, एचडीयू और जनरल बेड मिसी 1167 बेड बढ़ेबा को स्वास्थ्य विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। से 750 डाक्तर को नियुक्ति सरकार। आमर वर्तमान बेड अवेलेबिलिटी उपर जनरल बेड यूटिलाइजेशन मोटे 39% अच्छी, वेंटिलेटर आमर ऑक्सीजनेटेड बेड यूटिलाइजेशन अराउंड 60% अच्छी। तथापि नुआ जगार आम का पांचटी छटी जगार सीसीसी डीसीएससी डीसीएस बढ़ा जाइए। ता सांगरे आपन जो बेड कथा कहले आग को जोटा एक्सपर्ट माने इंटरनेशनल एक्सपर्ट माने करिचंती फोरकास्ट दार मे बी ए थर्ड सर्ज पेडियाट्रिक एज ग्रुप एफेक्ट हे तापाई भी आम आइडेंटिफिकेशन ट्रेनिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेड कौ जगार बेड बढ़ेबू कौमी आईसीयू पिलाई करूँ केमिति ट्रेनिंग दिया जीवो से व्यवस्था भी चल छी। एबे नजर पकातु केमिति अछि राज्य रे स्वास्थ्य भित्तिभूमि कोन कहूछि स्वास्थ्य विभाग रो रिपोर्ट। 2019 तथ्य अनुसार राज्य रे 1396 पीएचसी आवश्यक थिला बेले अछि मात्र 1288। विडंबना 1288 पीएचसी रु 33 भडा घरे चली छी। ए सबु पीएचसी रे 1288 डाक्टर को आवश्यकता थिबा बेले मात्र 827 जण डाक्टर काम करूछन्ति, 461 पदवी खाली। सेहीपरि सीएससी गुड़िक 1482 मंजूरीप्राप्त डाक्तर आवश्यक थिया बेले अछन्ति मात्र 313, खाली पड़ी 1168 पदवी। राज्य में पीएससी और सीएससी 1665 लैब टेक्नीशियन आवश्यक थिया बेले अछन्ति मात्र 711 जन। सेहीपरि 2504 स्टाफ नर्स कार्य करथवा बेले 1423 पदवी खाली पड़ी। 2576 हेल्थ आसीस्टांट को आवश्यकता थी बेले एथिरे जणे हेले भी नियुक्ति होइना। राज्य में केवल 69 सीएससी रे एक्सरे मशीन अछि। विधानसभा रे राज्य सरकार मानिछथि एबे सुधा राज्य में 4953 डाक्टर पदवी खाली।
100 ডাক্তার অনধিকৃত ভাবে অনুপস্থিত এবং ছুটিরে আছেন যাহাকে নেই স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ কহিবা কথা সরকার প্রথমে স্বাস্থ্য সেবাকে গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক এবে প্রশ্ন দীর্ঘ 21 বর্ষ পরে স্বাস্থ্য ভিত্তিভূমি সজাড়া পেয়ে আরম্ভ হইতবা যোজনা বাস্তব রূপ নেব তো ভুবনেশ্বর ক্যামেরা পর্সন সনাতন বেড়াঙ্ক সহ দীপ্যজ্যোতি মহান্তিক রিপোর্ট অর্গস तो रिपोर्ट मध्यम आम आपको देख सारी जे कि भाव में रही राज्य स्वास्थ्य भित्तिमि चित्र 21 वर्ष पर निद भांगी किंतु ये जो व्यवस्था कर बेड बढ़ेबा एवं किसी डाक्तर को निजुक्ति कराइबा यहाँ कौन ये जो एत बड़ शून्य स्थान रही केते दूर भरणा करते दूर पूरण कर संबलपुर आम प्रतिनिधि मलय भई अच्छा और ब्रह्मपुर आम प्रतिनिधि पीतांबर नाहक आम सहित जोड़ी होती आपण मानक स्वागत पीतांबर प्रथम आपण जानक चाहिए ये आपण जोठी अच्छा से जिलाटी रु मुख्यमंत्री लगातार भाव में गत 21 वर्ष धरी प्रतिनिधित्व करकृत स्वास्थ्य भित्तिभूमि चित्र कौन मुख्यमंत्री जिला जेहेतु से कम से कम डाक्तर अभाव नठी तो कम से कम टेक्नीशियान अभाव नठी तो पारामेडिकल स्टाफ तो निश्चित भाव में थे पीएचसी सीएचसी गुड़िकी कौन असुविधा हो नो लोक मैंने ठीक भाव रोगी सेवा पाथे मुख्यमंत्री जिला 21 वर्ष मुख्यमंत्री कौन प्रकृत स्थिति पीतांबर शुणी पार पीतांबर शुणी पार मो कथा ओके पीतांबर पाख पहुँची पार नहीं आम आरंभ करने चाहूल मुख्यमंत्री जिलूर कितु कथा पहुँची पार नहीं परवर्त समय आसबू जानवा प्रकृत में मुख्यमंत्री जिले में स्थित कौन जीवा मलय भई आम प्रतिनिधि संबलपुर जोड़ी होती मलय संबलपुर हूँ पश्चिम ओडिशार प्राणकेंद्र संबलपुर जिला केवल जिला भितर कथा नुहे बाहर राज्यरु एठाकु आसंती चिकित्सित होबापाई बुर्ला बड़ मेडिकल एठी अछि भीमसार अछि एवं बाकी ग्रामांचल कथा जे देखिबा संबलपुर जिला रे प्रकृत रे स्वास्थ्य भित्तिभूमि रो स्थिति कोन निश्चित भावे सक्से देखु आप जानते संबलपुर हूँ पश्चिम ओडिशा प्राणकेंद्र एटी जो बड़ हस्पिटाल रही पश्चिम ओडिशावासी को चिकित्सा सेवा जोगाई से वर्तमान समय भित्तिभूमि अभाव रही डॉक्टरों अभाव रही अनेक समस्या सम्मुखीनता चित्र आपण मैंने विगत वर्ष देखिथे आज एभली कोरोना समय अनेक चित्र सामना को आसीजे कौन भाई भाव डाक्टर अभाव रही बुर्ला बड़ मेडिकल बुर्ला भीमसार मेडिकल कौन भाई भाव डॉक्टर अभाव रही कौन भाई भाव सदस्य मिल पारे ये चित्र सामना को आने कथा जी कह पश्चिम जो पखापाखी जिला रही 10-11 जिला ये जिला मानक स्वास्थ्य सेवा कहले भुशुड़ी पड़ी आप देखते ग्रामांचल मानक जो पीएससी सीएससी रही अनेक स्थान आम देखी डॉक्टर नहांती जहाँ को लेकिन अनेक थर लोके स्थानीय लोक आंदोलन करते आप देखिथे जितेबले बरगढ़ जिला कथा कहे बरगढ़ जिलार उपनिर्वाचन समय थी बीजेपुर उपनिर्वाचन थी से ही समय आप जानते बीजेपुर तीन टी ब्लॉक जो भाई डाक्टर अभाव रोला जितेबले भोट होता से समय सरकार व स्थानीय मंत्री मैंने लड़िकी बुर्लार अनेक डॉक्टर बीजेपुर कन्स्टिट्युएंसी विभिन्न ब्लॉक को सीएससी पीएससी को पठाते परवर्त समय से डॉक्टर को पुणी काढ़ी आने की बुर्ला को स्थानातर करते समय चित्र बयान कर आज चित्र बयान कर आज आम ए खबर सामना को आसीजे जो सारा जिला पश्चिम अनेक जिले में देखी जो पीएससी सीएससी रही है वर्तमान समय डॉक्टर अभाव रही आप देखते बर्तमान जितने कोरोना चली समय सरकार अधिक तत्परता अच्छे इस समय बेड बढ़ावा गोटे प्रकार चर्चा करते कि पूर्व जहाँ जना पड़ा पूर्व चित्र अनेक चित्र सामना को जो थे कि राज्य सरकार का स्वास्थ्य सेवार पूरा पूरी पोल खुलूला पीएससी मानक कौन प्रकार स्वास्थ्य सेवा मिल पार ना भित्तिभूमि अभाव रही डॉक्टर मिल न गोटे बुर्ला डॉक्टर को विभिन्न जिला व ग्रामांचल पीएससी को पठाऊ से जाने चिकित्सा करते कि सामान स्थित बर्तमान समय में उपजी कहीं सरकार जिते 21 वर्ष शासन हेले ये समय भितर कौन पश्चिम
ପରାମର୍ଶର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସି କୁହନ୍ତୁ ବା ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବା ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିହାତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡକ୍ଟର ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ରୂପେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। 150 ନୂଆ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏକଥା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 4953 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, 750 ଡାକ୍ତର ଏ ଭରଣା ଏ ଯେଉଁ ଅଭାବକୁ କେତେ ଦୂର ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା, ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କାହିଁକି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିକି ଅନ୍ୟ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିଦେଶକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଠି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଏ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ 2504 କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 1423 ପଦବୀ। ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ମାନେ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇକି ଛଟେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ। କେମିତି ହେବ ରୋଗୀ ସେବା, ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି। ତ କରୋନା ଆସିନଥାନ୍ତା ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିର କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଅବସ୍ଥା, ଏ କଥା ବୋଧହୁଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଗୁମର ଆଜି ଖୋଲିଯାଇଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କେତେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଡାକ୍ତର ଟେକ୍ନିସିଆନ ଷ୍ଟାଫ ନର୍ସ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭାବ, ଘୋର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ। କେତେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ତ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି, ନିଜସ୍ୱ କୋଠା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯଦିଓ ନୂଆ କୋଠା ତିଆରି କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଠି କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଏବେ ନୂଆ ବେଡ୍ ବଢ଼େଇବା କଥା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ନିଯୁକ୍ତି 750 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଇଏ କେବଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଭଳି। ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ସ୍ଥିତି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇପାରିବ। ଏଠି ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏବଂ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫଙ୍କର ଅଭାବ ନଥିବ, ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଉଥିବେ, ଏ କଥା ଆଶା କରାଯିବା ସାଧାରଣ କଥା। 21 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାର ଅଛି ଏବଂ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେମିତିକି ପୁରା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି କହିବା, କନ୍ଧମାଳ କଥା କହିବା, ଗଞ୍ଜାମ କଥା କହିବା, ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଯେମିତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିଲେ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା କହିବା, କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ତୁଳନାରେ ଅଛି ପାଖାପାଖି 60% ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପଦବୀ ଯେଉଁଠି ବି ଦରକାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଟିଏ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଉଦ୍ବେଗର କଥା ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ 195 ଅର୍ଥାତ 195 ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ 98 ଜଣ ଡାକ୍ତର ସମୂହ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ତାହା କେବଳ ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍ ନାହିଁ, ତାହା ରେଗୁଲାର ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିକ୍ରେ ମାତ୍ର 98 ଜଣ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କନ୍ଧମାଳ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଯଦି କହିବା, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 45%ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ହୁଏତ ଏହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇଥାଇପାରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି।
तो यही भितर ब्रह्मपुर एमकेसीजी हॉस्पिटल रे मध्य डाक्तर पदवी बहुत किसी खाली पड़ी एमती कि विभिन्न विभाग अच्छी जहाद्वर जोटा कि कंट्राचुआल चली सबू स्थित को लेकिन वर्तमान समय में बारंबार विशेष करके विभिन्न संगठन दाबी जनाई किंतु सरकार कर्णपात कर नतेबले भाव में महामारी समय आसला से चेता पशिला कितु एवं जी भी निजुक्ति बाहर कर समुद्र को संख्य सदृश शक्ति साई आउ गोटे कथा मुझे कह चाहे जितेबले कि गंजाम जिला विशेष करके आपड़ जानते गंजाम जिला गोटे राज्यर बड़ जिला एवं जनसंख्या विशिष्ट जिला ये जिले में मुख्यमंत्री निजे प्रतिनिधित्व करुंक निर्वाचन मंडली रही सबको जदि आम देखा तेज निश्चित भाव गंजाम जिलार स्थिति अत्यंत भयानक स्वास्थ्य भित्ति को लेकिन आपड़ जानती प्रथम पर्यायर गंजाम जिला को केमी बाहर जिलूर डक्टर मैंने आसी से केमती चिकित्सा करते आई कथा भी निश्चित भाव सरकार अवगत थे जितेबले गंजाम जिलार पारामेडिकल स्टाफ कथा कह नर्स कथा कह समस्ते सर्टिफिकेट धरिकी समस्ते कर्म निजुक्ति पाइबा अपेक्षा कर रही था रास्ताघाट कथा कह जिला प्रशासन जिलापा कार्यालय राति राति से आंदोलन में बसते यह भाव से निजुक्ति प्रासंगिकता के दि जाए ना एवं से कंट्राचुआल ही कोविड हॉस्पिटल मानक काम कर स्थिति अनुमान करे जे जो शिक्षित बेकारी युवक युवती बा स्वास्थ्य समस्या को लेकिन चिंतित अच्छा बा सेमाने जो नर्स माने रही जो पारामेडिकल स्टाफ अच्छा सेमाने क्षमता अच्छी दक्षता अच्छी किंतु राज्य सरकार अवहेला राज्य सरकार जो स्वास्थ्य विभाग नग्न चित्र यह ही गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करुच्चे कहीं राज्य में निजुक्ति आसी पारना वर्षक वर्ष एवं एमती गोटे निजुक्ति आसूरी जहाँकि समुद्र को संख्य सदृश शक्ति साई तो मुख्यमंत्री निज जिला तार स्थित जदि ताले बाकी जिला गुड़िकर अवस्था कौन होती सहजर अनुमान करे 60% डाक्तर पदवी खाली पड़ी गंजाम गजपति कंधमाल कथा कहते प्रतिनिधि पीतांबर वो आसी परवर्त समय पीतांबर आम सहित जोड़ी होती प्रदीप्त महापात्र प्रतिनिधि प्रदीप्त एवं 750 डाक्तर को निजुक्ति दि जाए 4900 रु अधिक जिते डाक्तर पदवी खाली पड़ी 750 डाक्तर से जगार करेंगे कौन एवं केत से अभाव को पूरण करते WHO जहाँ मानक रोच हजारे जड़े डाक्तर रहा कथा हजार लोकर हजार रोगी रे सारा देश में यह स्थित हूँ 1400 जड़े डाक्तर अच्छा किंतु ओडिशा रे स्थिति कौन निश्चित भाव शक्ति साई आप जो कथा कहले जे केवल यही महामारी कोरोना आरंभ है ओडिशा रे तापरे एठी स्वास्थ्य सेवा विपर्यस्त है स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डाक्तर अभाव और स्वास्थ्यकर्मी अभाव देखादेला ता नुहे कोरोना पूर्वर ही आम राज्यर स्थिति से आप विभिन्न जो सरकारी डाक्तरखाना देखिथे PHC हो CHC हो कि जिला मुख्य चिकित्सालय हो कि कटक रो जो SCB मेडिकल कॉलेज रही सबुठी सबुबले नियंटिया चिकित्सा सेवा देखा देखाई सबुबले लोक मैंने नाई नसुविधार सम्मुखीन होती एमती अनेक लोक आसिकी से दिन दिन धरिकी अपेक्षा कर रही था बेड टीए मिल न था साधारण बेड टीए मिल न था जो स्थित बर्तमान उपजी अर्थात गत पखापाखि एक वर्ष धरिकी आम कोरोना महामारी सहित युद्ध करु एबी से ही सामान स्थित केवल किसी जेहेतु आग को स्थित आहुरी बिगड़ी पारे से कि डाक्तर को निजुक्ति दि जाइए जहाँ आप कहते कि बेड वृद्धि करु ये बर्तमान प्रश्न उठूँ जो तृतीय लहर आसब से तृतीय लहर में निजे स्वास्थ्य विभाग जो अधिकारी माने अच्छा जो निर्देशक माने अच्छा से मैंने सीधा सड़क कहते जे विशेष भाव पेडियाट्रिक ग्रुप अर्थात शिशु मानू जो प्रभावित कर शिशु माने अधिक संख्यार संक्रमित हे तेब किद पूर्व आम खबर प्रसारण करते जे आम राज्य शिशु रोग विशेषज्ञ शिशु मैंने जदि पीड़ित हूँ कोरोना द्वारा तेब चिकित्सापी कौन भित्तिमि अच्छी तेज जो तथ्य अच्छी मुझे समय देवाई चाहिए आप आम राज्य समुदाय 377 दरकार 377 जन शिशु रोग विशेषज्ञ दरकार अर्थात CHC क्षेत्र में गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र जो गुड़िक रही है हेटी दरकार किंतु से मात्र से खाली पड़ी 371 पदवी अर्थात मात्र 55 जन शिशु रोग विशेषज्ञ निजुक्त अच्छा विभिन्न CHC जो रही राज्यर विभिन्न ब्लक
एवं ता सहित आम जो नजर पकाइबा आदिवासी प्रवण जिला गुड़िक कथा आदिवासी प्रवण ब्लॉक गुड़िक कथा सेठी स्थिति आहुरी भयानक आहुरी भयंकर अछि कारण 361 पदवी सेठी खाली पड़ी विभिन्न जो आदिवासी प्रवण ब्लॉक गुड़िक जो रही सेठी खाली पड़ी एवं सेठी मात्र 17 जन जो शिशु रोग विशेषज्ञ को सरकार नियुक्ति देछंती एवं एभली स्थिति जदि वर्तमान लागी रही तबे आगुकु तृतीय लहर जदि आसिबो एवं तृतीय लहर अधिक संख्या रे रोग लोक संक्रमित होबे कारण आमे गत वर्ष देखिथिले सर्वाधिक दैनिक संक्रमण 4000 रु 5000 भितर थिला किंतु एई वर्ष ताहा वृद्धि पाई 12000 डेई जाइथिला एवं वर्तमान हुए तो किछटा कमीची किंतु आगुकु स्थिति कोन होबो ताहा निहाती भाबरे समस्तक पई चिंताजनक विषय सरकारक पई मध्य चिंताजनक विषय एवं जेउ स्वास्थ्य सेवा कथा कहा जाउची ए स्वास्थ्य सेवा ओडिसावासी प्रथम रुही एभली विपर्यस्त स्वास्थ्य सेवा सरकारक पई चिंताजनक विषय जदि हेथांता निश्चित रूपे लोकक पई चिंताजनक विषय किंतु सरकारक पई केते चिंताजनक विषय ता सबटु बडा प्रश्न सृष्टि करिछि प्रदीप तो बहुत बहुत धन्यवाद आगुक मध्ये संपर्क करा आमे अन्य जिला को जीवा सेटाकार स्थिति संपर्क रे जानिबा किंतु समय चा गोटे छोटो बिरति रह तबा सहित जोड़ी होती संबलपुर आम प्रतिनिधि मलय भई एवं ब्रह्मपुर अच्छा पीतांबर नाहक मु प्रथम मलय आपको पुणि थे जी जो 750 डाक्तर निजुक्ति हे और जो बेड बढ़ावा कथा राज्य सरकार घोषणा कर संबलपुर जिला भाग में केते पड़ी किसी निर्दिष्ट भाव खबर अच्छी देखो शक्ति साहब वर्तमान समय रे कौन सी प्रकार जिला जिला चिकित्सा मुख्य अधिकारी स्पष्ट करना ये संबलपुर केते डाक्तर दिजिव संबलपुर जिले में केते नियुक्ति करा कहीं संबलपुर जिले में मध्य जो विभिन्न ग्रामांचल पीएचसी सीएससी रही सेठी वर्तमान समय डाक्टर अभाव रही अनेक डाक्टरखाना भित्तिमि नहीं कौन से प्रकार सुविधा मिल ना कहे कि स्पष्ट कर संबलपुर जिले में कैसे डाक्टर चाहिए पीतांबर से कथा से समान प्रश्न गंजाम क्षेत्र में किसी जना पड़ा कि 750 डाक्तर केते भाग गंजाम जिले में मुख्यमंत्री जिले में 1166 बेड रु गंजाम जिले में कैसे बेड शक्ति साई निश्चित भाव कहीपर जदिओ एक स्पष्ट होना किंतु आपण को मन पक दिए जितेबले कि गंजाम जिले में 2019 मसीह पर बस ट्राजेडी होता बस ट्राजेडी पर बर्न यूनिट गोटे हम स्वतंत्र बर्न यूनिट और स्वतंत्र डाक्तरी दल रे वर्तमान पर्यंत 2 वर्ष बीतीगला बर्न यूनिट हो पारा ना एमती सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक दक्षिण ओडिशा को गोटे बड़ भेटी कहीपर मुख्यमंत्री राज्य सरकार केन्द्र सरकार टंका विनियोग वर्तमान सुधा से ही बिल्डिंग ठिया हो सत किंतु वर्तमान समय गोटे भी सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक रोटे विभाग खोल जाए ना डाक्तरी दल पहुंची ना तो यथेष्ट ये गंजाम जिलार चित्र दवापाई ये कथि जथेष समय सरी किंतु ये अभाव एबे भी रही राज्य रे ये 750 डाक्तर नियुक्ति कर देले बा 1066 बेड बढ़ाई देले 1166 बेड बढ़ाई देले एटा पूरण हबो नाही अनेक जो रही विपर्यय स्थिति राज्यर स्वास्थ्य भित्तिभूमि केमी ताकु भरणा करिवे तृतीय लहर केमती सामना करिवे जदि एभली भाव रे जदि नियुक्ति चले बा जदि तार आवश्यकता पूरण करने पर उद्यम करेंगे ताहले लोकमानंकर इभली भाव जीवन जाऊ गोटे परे गोटे लहर आसुव स्वास्थ्य भित्तिभूमि पोल खोली देछि कोरोना राज्य सरकार जदि एबे न चेतिबे ताहले यार भयंकर परिणाम आम राज्यवासियों को भोगिबाक पड़िबा समय होछि अर्गस ग्राउंड जीरो को एटर खिबा नमस्कार।